हेलो एवरीवन, आई एम कपिल गर्ग फ्रॉम अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट ऑफ RPIIT कॉलेज कैंपस करनाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, जिसमें हमने देखा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारी क्या था। जब लाइट रे हमारी किसी एक मीडियम में टोटली रिफ्लेक्ट बैक आ जाती है, उसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो आज के जो लेक्चर के अंदर हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे बेसिकली क्रिटिकल एंगल और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बीच का। तो आइए देखते हैं। क्रिटिकल एंगल इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है किसके अंदर, डेंसर मीडियम के अंदर, जिसके कारण जो रिफ्रैक्शन एंगल होता है हमारा रेयर मीडियम के अंदर वो होता है 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो हम बाय यूजिंग सिनेल्सला क्या लिखते हैं, जी म्यू ए लिखते हैं, विच इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। हमें पता था रिफ्रैक्शन एंगल हमारा कितना आया था लास्ट टाइम, 90 डिग्री आया था, तो हमने वही रख दिया। और आई हमने क्रिटिकल एंगल लेके चले, तो साइन आई सी इज डिवाइड बाई साइन 90। हमें पता साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ए म्यू जी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, साइन आई सी। नाउ बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, क्या पता था हमें, ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 बाई जी म्यू ए, वो यूज़ किया हमने। तो ए म्यू जी हमें निकालना था, जी म्यू ए की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, साइन आई सी, हमने वही पुट कर दिया उसके प्लेस पे। तो साइन आई सी की वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाय ए म्यू जी आ जाएगी। अगर इसे वेवलेंथ के फॉर्म में लिखेंगे तो साइन आई सी कितना आ जाएगा हमारा, लैम्डा जी डिवाइड बाई लैम्डा ए। हमें यहाँ से क्या पता चला कि रेड कलर हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। हमारी जो रेड कलर की वैल्यू होती है किसकी, क्रिटिकल एंगल की, वो सबसे ज़्यादा होती है। और वायलेट कलर हैज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, जो वायलेट कलर है उसकी क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू है वो हमेशा सबसे कम होती है, वायलेट कलर की सबसे कम और रेड कलर की सबसे ज़्यादा। तो साइन आई सी हमारा किसके इक्वल आया, 1 बाई ए म्यू जी, ठीक, विच इज़ इक्वल टू 1 बाई ए प्लस बी बाई लैम्डा का स्क्वायर। तो अप्लीकेशन देखती हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, क्या क्या हो सकती है, कि हमारे मिराज फॉर्मेशन में काम आता है, लूमिंग में काम आता है, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में काम आता है, ऑप्टिकल फाइबर में काम आता है, स्पार्किंग ऑफ डायमंड में हमारा ये काम आता है, हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमारी अप्लीकेशन थी कुछ, और इस तरह हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का। थैंक यू।